राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्ति के बाद कपिल वस्तु के निकट वेणु वन के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां उनका मिलन एक धनी व्यक्ति सुदत्त से होता है, जो भगवान बुद्ध से तत्व ज्ञान प्राप्त करता है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है पिता पुत्र मिलन। भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचार्य भी उनके शिष्य बन गए। उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। वे काफी समय तक राजगृह में निवास करते रहे। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिल वस्तु लौटेंगे। इसलिए उन्होंने अपने पिता शुद्धोदन के राज्य में जाने का विचार किया और अनेक शिष्यों के साथ राजगृह से कपिल वस्तु के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिनों में वे अपनी शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुंचे और वहीं ठहर गए। राजा शुद्धोदन के पुरोहित और आमात्यों को जब अपने गुप्तचरों से ये सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं, तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। अनेक पुरवासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा ने दूर से ही देखा अनेक शिष्यों के बीच परिव्राजक वेश में उनका पुत्र विराजमान है, तो वे रथ से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुंचे। मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा शुद्धोदन का मन विफल हो गया। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। विस्मय में पड़कर वे न तो उन्हें पुत्र कह सके और न ही भिक्षु। अपने आप को राजसी वस्त्रालंकारों से विभूषित और पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, किंतु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देखकर राजा को वैसी ही निराशा हुई जैसी कि किसी प्यासे को सूखा तालाब देखकर होती है। राजा ने अपने पुत्र को देखा, परंतु पुत्र दर्शन का सुख उन्हें नहीं मिला। राजा शुद्धोदन सोचने लगे, यदि ये मानधाता की भांति संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होता तो क्यों भिक्षा मांगता करता? कैसी विडंबना है जो मेघ के समान धैर्यवान है, सूर्य के समान प्रतापी है, चंद्रमा के समान कांतिमान है, वो भिक्षा मांग रहा है। भगवान बुद्ध ने अपने पिता को देखा, उनके मनोभावों को समझा और अनुभव किया कि वे अभी भी उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं। अतः
उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने कुछ चमत्कार किए। उनके यौगिक चमत्कारों से पिता बड़े प्रभावित और आनंदित हुए। फिर सूर्य के समान स्थिर होकर तथागत ने राजा शुद्धोदन को धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजा, अब आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। आप अब पुत्र प्रेम त्याग कर धर्म के आनंद का अनुभव कीजिए। आप उस बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने अपने पिता को समझाया, यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है, अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण, कर्म का विपाक अर्थात उसका फल और कर्म का आश्रय, इन चारों के रहस्यों को समझिए, क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पथ की खोज कीजिए जो शांत है और ध्रुव है, जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न श्रम है और न दुख। तथागत के चमत्कारों को देखकर और उनके उपदेशों को सुनकर राजा शुद्धोधन का चित्त शुद्ध हो गया। वे रोमांचित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया, हे आर्य, आज मैं धन्य हूं। आपने कृपा कर मुझे मोह से मुक्त किया है। हे तात, आपका जन्म सफल है। अब मैं सचमुच पुत्रवान हूं। आपने राज्य लक्ष्मी और स्वजनों का त्याग किया, दुष्कर तप किया और मुझ पर कृपा की, ये सब उचित ही है। आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आप आज दे रहे हैं। आपने अपने ज्ञान और सिद्धियों से भव चक्र को जीत लिया है। बिना राज्य के ही आप संपूर्ण लोकों के सम्राट की भांति सुशोभित हैं। ये कहकर राजा ने भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया। भगवान बुद्ध के योग, ऐश्वर्य तथा उनके पिता द्वारा किए गए सत्कार को देखकर अनेक लोगों ने घर छोड़ने का निश्चय किया। अनेक राजकुमार निर्वाण धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए। आनंद, नंद, क्रिमिल, अनिरुद्ध, कुंडधान्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और गृह त्याग किया। तथागत की शिक्षा से देवदत्त तथा गुरुपुत्र उदाई ने भी यही किया। अत्रिनंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा शुद्धोधन ने भी अपना राज्य भार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं राजर्षियों की तरह रहने लगे। इसके बाद राजपुत्र सर्वार्थ सिद्ध सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य सिद्ध करके अपने दीक्षित शिष्यों तथा पूर्ववासियों के साथ
नगर में प्रवेश किया। अश्रु बहाते हुए पुरवासियों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। ये समाचार सुनकर राजभवन की स्त्रियां द्वारों और वातायनों की ओर दौड़ी। काशाय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें सांध्यकालीन बादलों से आधे ढके सूरज के समान चमकते देखकर स्त्रियां रोने लगी और विह्वल होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। नगर और राजभवन की स्त्रियां अपने राजकुमार को मुनि वेश में देखकर तरह तरह से विलाप कर रही थी। पत्नी यशोधरा भी उन्हें देखकर अत्यंत शोक विह्वल हो गई, किंतु बुद्ध को न तो पत्नी का प्रेम विचलित कर सका और न पुत्र राहुल का। भगवान बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा मांगते हुए चलते रहे और शांतिपूर्वक धीरे धीरे न्यग्रोध वन जा पहुंचे। वहां वे संसार के जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करने लगे। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।